संभल के थाना बनिया ठेर क्षेत्र के गांव आटा में दहेज के लोभियों ने महिला को उतारा मौत के घाट। दहेज के लोभियों ने महिला को किया आग के हवाले, महिला को जिंदा जलाया। दहेज के दरिंदों ने एक और महिला को आग लगाकर सुलगा दिया, धू धू कर जली महिला। चंदौली के थाना बनिया ठेर क्षेत्र के ग्राम आटा में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में आग लगने से मौत हो गई। मृतक महिला के ससुराल वाले घर से फरार है। मृतक महिला के मायके वालों ने पति पर दहेज में बाइक मांगने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने थाना बनिया ठेर पुलिस को घटना की जानकारी दी तो सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी पूनम सरोज ने मौके पर पहुंच ग्रामीणों और मायके वालों से ली जानकारी। सबका पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेजा। मृतक ममता के पिता ने बताया कि ममता का पति शादी के कुछ दिन बाद से ही दहेज में बाइक की मांग कर रहा था, जिसको लेकर कई बार ममता के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया था और जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन गांव में ग्राम प्रधान एवं संभ्रांत लोगों ने समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया था। लेकिन कुछ दिन से ममता को बाइक की मांग पूरी न होने पर ममता का पति उसके साथ मारपीट करता था, जहां आज ममता के ससुरालियों ने मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी और घर से सभी फरार हो गए हैं। ममता को मारने वालों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाकर कार्यवाही होगी। एक क्या नाम है आपका? श्यामलाल। क्या कौन से गांव रहते हो? काजीवाटा। जो मृतक है इसके क्या है आप? हमारी लड़की है। अच्छा, आपकी बेटी है। क्या हुआ ये? आग लगा के मार दी। किसने? ससुराल वालों ने। ससुराल में कौन कौन थे? जगदीश हैं, राम किशन हैं, उनकी सास हैं। इनके पति क्या नाम है? किशन पाल। कहाँ गए वो लोग? भाग गए सब। सब भाग गए। क्या वजह हुई आग लगाने से? मोटरसाइकिल मांगते थे पहले। कितने दिन पहले शादी हुई? साल भर के बाद। कितने दिन पहले शादी हुई? शादी को तो 2-2.5 साल हो गए बस। अच्छा, तो मोटरसाइकिल मांगते थे आपसे? हाँ, एक साल बाद मोटरसाइकिल मांगने शुरू कर। पहले इसके साथ मारपीट नहीं की क्या? मारपीट कई बार करी है।